टॉपिक है टूल्स फॉर हैंड मोल्डिंग इन फाउंड्री शॉप। तो जैसे हमें पता है कि फाउंड्री शॉप या कास्टिंग के टाइम पे हमें काफ़ी सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे मोल्डिंग हो गई, पोरिंग हो गई, लिक्विड मेटल का जो पोरिंग होता है, हमें मोल्ड प्रिपरेशन करना है, पैटर्न बनाना है, तो इन सब के लिए हमें कुछ ना कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यही कुछ टूल्स हम डिस्कस करेंगे, कौन से टूल्स हम हैंड मोल्डिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं। सबसे पहला है ट्रॉवल्स। ये जो हमारा मोल्ड होता है उसके रिपेयरिंग के काम में आता है। इसके आगे स्टील ब्लेड लगी होती है और इसका हैंडल जो है वुडन का होता है। और ये किस काम आता है, ये हमारी जो सैंड होती है उसको निकालने के लिए, डालने के लिए या फिर मोल्ड को रिपेयर करने के लिए काम में हम इसे लेते हैं। फिर है हमारा हार्ट एंड स्क्वायर टूल्स। ये जो है इसका नाम है, एक तरफ तो इसके स्क्वायर शेप का लगा होता है और दूसरी साइड होता है इसके हार्ट शेप। ये किस लिए हमारे काम आता है, जो हमारी सैंड होती है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करने में, और हो सकता है कि सैंड पे जो रिपेयरिंग वर्क होता है उसमें भी हम इसे सैंड और स्क्वायर टूल को काम में लेते हैं। नेक्स्ट इज़ हमारा रैमर्स। रैमर्स हमारा काम आता है सैंड को रैम करने के लिए, उन एरियाज़ पे, उन कॉर्नर्स पे जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँच सकता, कॉर्नर पे हैंड रैमिंग पॉसिबल नहीं होती है, इसलिए हम उसको रैमर के हेल्प से रैम करते हैं सैंड को। दो तरीके के होते हैं, एक तो फ्लैट रैमर्स होते हैं और कुछ होते हैं पिन रैमर्स। फ्लैट रैमर्स हम उन जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी सरफेस फ्लैट है मोल्ड की, और पिन रैमर्स उन जगह पे जो कंस्ट्रक्टेड पैसेजेस होते हैं और कॉर्नर के एरियाज़ हैं जहाँ पर हम आसानी से नहीं पहुँच सकते। फिर आता है हमारा क्लीनर्स एंड लिफ्टर्स। ये हमारा काम आता है सैंड और डर्ट को क्लीन करने के लिए, कोई भी लंप पार्टिकल्स अगर हैं हमारे मोल्ड में प्रेजेंट तो उसको हटाने के लिए हम क्लीनर्स और लिफ्टर का यूज़ करते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे वेंट वायर्स। इसमें क्या, एक साइड तो ये पॉइंटेड होता है और दूसरा साइड जो होता है इसके हैंडल होता है। ऐसे इसका नाम है, वो नाम से ही पता चलता है हमें, ये हम वेंट क्रिएशन के लिए काम आता है मोल्ड में, सैंड सरफेस में होल्स क्रिएट करने के लिए या वेंट बनाने के लिए, ताकि गैसेज आराम से एस्केप हो सके जब हम हॉट मेटल पोर करते हैं। फिर आता है हमारा स्लिक। स्लिक क्या है, ये लार्ज चिजल होता है, हैवी ब्लेड होती है इसकी, और ये मोल्ड सरफेस को रिपेयरिंग या स्मूथनिंग के लिए काम में लिया जाता है। तो स्वैब, स्वैब क्या होता है हमारा, स्वैब होता है एक ब्रश होता है जिससे हम वाटर को अप्लाई करते हैं जब हम मोल्ड मेकिंग प्रोसेस कर रहे हैं। उसके बाद आता है हमारा ड्रॉ स्पाइक। ड्रॉ स्पाइक स्पाइक की शेप का होता है और ये पैटर्न को मोल्ड से निकालने के लिए काम में लेते हैं ईजिली, फॉर ईजी रिमूवल ऑफ पैटर्न। रिडल, रिडल है हमारा मोल्ड की स्क्रीनिंग के लिए काम में आता है, मोल्ड की स्क्रीनिंग ऑफ सैंड। जब हम हमारी सैंड के जो पार्टिकल्स हैं, हो सकता है वो लंप के फॉर्म्स में भी हो सकते हैं या फिर उसमें कोई डेब्रिस हो सकता है, तो उसको हम छलनी होती है ये बेसिकली, तो उसको स्क्रीनिंग के लिए हम काम लेते हैं, दैट इज़ नोन एज रिडल्स। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स फॉर हैंड मोल्डिंग।